सभी बच्चों को शेयर कर उन्हें लाभान्वित करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवाचारी प्रयोगशाला। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्रिज कोर्स सेकंड वीक क्लास 7th एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंग्लिश सब्जेक्ट। इन इंग्लिश सब्जेक्ट इन दिस वीक वी हैव 7 एक्टिविटीज फॉर 7 डेज। सो लेट्स स्टार्ट। एक्टिविटी नंबर 1 है बच्चों, हमने एक यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, उसे हमने पढ़ना है। पैसेज है ये टैरोज रिवार्ड, ये हमने लास्ट ईयर अपनी बुक्स में पढ़ा है, तो उसी में से एक पैसेज लिया हुआ है। उस पैसेज को पढ़ने के बाद आपने ये यहाँ पे कुछ 5 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ वुड कटर, तो आपको इसी पैसेज में मिल जाएगा लिखा हुआ, अ यंग वुड कटर नेम्ड टैरो, है ना। तो आप इसी ढंग से ये सारे क्वेश्चंस के आंसर इस पैसेज से पढ़ के देंगे। ओके, ये आपका पहले दिन की एक्टिविटी है। सेकंड डेज की एक्टिविटी पे आ जाते हैं। इसमें करना क्या है हमने, वैसे बच्चों आप फर्स्ट वीक की एक्टिविटी में जान चुके हैं प्रोनाउंस के बारे में, तो इसमें बहुत सारे प्रोनाउंस दिए हुए हैं, जैसे आई मी, ऐसी है शी हर, ही हिम, वी अस, ऐसे प्रोनाउन दिए हैं, दे देम। तो ये प्रोनाउंस हमें दिए हुए हैं। इन प्रोनाउंस में, अब प्रोनाउंस की यहाँ पे 2 कैटेगरी हो जाती हैं बच्चों, ठीक है। एक होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन और दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन है। तो 2 प्रोनाउंस में सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, जो प्रोनाउन वर्ब को एक्ट करता है, जो भी सेंटेंस में वर्ब होगा उसको एक्ट करेगा, वो प्रोनाउन सब्जेक्ट का प्रोनाउन है। और जिसके लिए एक्ट किया जाता है, कोई भी काम हम जिसके लिए किया जाता है उस सेंटेंस में, वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ओके, तो हमने इसमें डिसाइड करना है, जैसे मैं पहला सेंटेंस पढ़ता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स विद आई और मी। जैसे पहला सेंटेंस है, मदर ड्रोव डैश टू स्कूल टुडे, ठीक है। तो अभी मदर ले जा रही है ना, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ पे बीच में आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मी, मदर ड्रोव मी टू स्कूल टुडे। ऐसी सेकंड है, डैश रियली वांट दैट चॉकलेट लाइक, ठीक है, तो चॉकलेट केक। ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट है आई, है ना, तो आई रियली वांट द चॉकलेट केक। तो इसी तरीके से हमने शी और हर को भी इन 2 सेंटेंस में भरना है। हमने देखना है कि कौन सा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो इसी तरीके से हमने ये सारे सेंटेंस को बनाना है, ठीक है। कहीं पे आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे कॉल करके पता कर लेंगे। मैं इसके रिगार्डिंग आपको कुछ शॉर्ट नोट्स भी भेज रहा हूँ। ओके बच्चों, अब आती है एक्टिविटी 3 की बारी। एक्टिविटी 3 में, थर्ड डे में जो हमने करना है, इसमें अनजोड़ कर हमारे एंटोनियम्स बन जाते हैं। जैसे हम कोई भी सेंटेंस के पीछे अगर हम हैप्पी है, हैप्पी के आगे से हम अन लगा देंगे तो अनहैप्पी मींस वो खुश है तो वो ना खुश, यानी कि अपोजिट बन जाते हैं। तो इसी तरीके से हमने भी अपोजिट बनाने हैं सबके आगे से अन लगा के। तो पहले आइडेंटिफाइड आपका सेंटेंस है, वर्ड है, तो इसका क्या बनेगा, अनआइडेंटिफाइड। ओके, तो आपने इसके आगे से अन लगाना है तो अपोजिट में कन्वर्ट हो जाएगा एंटोनियम में। ओके बच्चों, तो ये आपकी एक्टिविटी 3 हो गई थर्ड डे की। अब बारी आती है एक्टिविटी 4 की। फोर्थ डे में आपने एक्टिविटी 4 में क्या करना है, सेंटेंस जो हमारी हैं वर्ब को पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके सेंटेंस लिखना है। वर्ब की पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हमने यहाँ पे लिखनी है और सेंटेंस को फॉर्म करना है। जैसे इसने एक एग्जांपल दिया हुआ है, द बस स्टॉप सडनली, यानी कि बस अचानक रुक गई, बस स्टॉप सडनली, बस अचानक रुक जाती है। इसको हमने पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, तो बस स्टॉप्ड सडनली, यानी कि बस अचानक रुक गई। ओके, तो ऐसे ही हमें सेकंड सेंटेंस है, वर्ब हमने आइडेंटिफाई करनी है। सेकंड सेंटेंस की वर्ब क्या है, ओपन। ओके, ओल्ड मैन ओपन्स द डोर, तो इसका ओपन को हमने सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ऐसी तीसरा वाक्य है, दे ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम देमसेल्फ, तो ट्राई कर रहे हो
तो दे ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम देमसेल्फ। वर्ब के अकॉर्डिंग आपने वर्ब को सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। दे द लेडी कैरीज अ हैंड बैग, इसमें भी आपने वर्ब के वो कैरी कर रही है तो आपने वर्ब की सेकेंड फॉर्म को लिखनी है और अपना सेंटेंस को फॉर्म करना है। तो पहले आप सेंटेंस लिखेंगे और सेंटेंस के नीचे इसी तरीके से जैसे इसने एग्जांपल में दिया है इसी तरीके से काम करना है, ठीक है बच्चों। अब हमारी एक्टिविटी फाइव की बारी आती है। एक्टिविटी फाइव है, इसमें हमने एक पैसेज पढ़ना है और उसमें नाउन को अंडरलाइन करना है और वर्ब को सर्कल करना है। जो भी नाउन होगा उसके नीचे तो आपने अंडरलाइन करनी है और जो वर्ब होगा उसके उसको आपने ऐसे सर्कल कर देना है। तो पूरा आपने पैसेज लिखना है और उसके बाद ये जैसे भी यहाँ पे नाउन और वर्ब आपको दिखेंगे इस सेंटेंस में आपने उनको अंडरलाइन या सर्कल अकॉर्डिंगली करना है, ठीक है। अब बारी आती है एक्टिविटी हमारी एक्टिविटी सिक्स की। तो एक्टिविटी सिक्स में आपको क्या करना है, कोई सेंटेंस है, इसमें हम आपको पहले सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में आपको जानकारी समझनी पड़ेगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जो काम जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं और यह जो काम हमारा प्रेजेंट में चल रहा हो उसको हम बोलते हैं, जो कोई जनरली हम कोई स्टेटमेंट जब देते हैं प्रेजेंट के लिए वर्तमान के लिए तो वो उससे सिंपल प्रेजेंट वाक्य होता है। और अगर वही वाक्य प्रेजेंट में हमारा लगातार चल रहा हो तो वो कंटिन्यूस वाक्य हो जाता है, ठीक है। तो हमने इसमें नॉर्मली अब इसकी आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, वर्ब से हमें पता लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी आएगी प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओके ये आएगी सिंपल प्रेजेंट में और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है वर्ब की ये आएगी हमारी कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो आपको सेंटेंस को देख के पता लग जाएगा, जैसे पहला सेंटेंस है आई इन्जॉय द पिकनिक वेरी मच, सेकंड है दे आर मेकिंग अ नॉइस। अब आप देखेंगे इसमें वर्ब है मेक में आई एन जी लग गया, इट मीन्स ये कंटिन्यूस टेंस है ना। और आई इन्जॉय द पिकनिक वेरी मच, ठीक है। तो इन्जॉय इसमें है वर्ब और वर्ब हमारा इसमें फर्स्ट फॉर्म वर्ब की है तो इसका मतलब ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस और ये सेकंड वाला हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आई लाइक मिल्क, द डॉग आर रनिंग, द डॉग्स आर रनिंग, है ना। इसी तरीके से आपने ये सारे सेंटेंस बनाने हैं, सेंटेंस लिखना है और सेंटेंस के सामने उसकी कौन सा सेंटेंस है, वो कौन से टेंस का सेंटेंस है वो उसके सामने लिखना है। इसके बाद अगला है एक्टिविटी लास्ट आपकी सेवन्थ, इसमें आपने क्या करना है, अपने स्कूल की एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। जैसे एक ब्लैंक पेज में आपने यहाँ पे अपने विद्यालय की एक पिक्चर ड्रॉ कर देनी है, ठीक है बच्चों। ऐसे यहाँ पे आपने जैसा आपका स्कूल आपको दिखता है उस तरीके की एक पिक्चर बनानी है, बढ़िया सी कलरफुल। उसके बाद आपने सुंदर सी हैंडराइटिंग में अपने स्कूल के बारे में कुछ लिखना है, करीब 7-8 लाइन अपने स्कूल के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। तो इस तरीके से आप ये सारे काम करेंगे और काम करने के बाद मुझे सेंड करेंगे। और ये वीक वैसे भी आपका ख़त्म हो रहा है, कल संडे को पूरा हो जाएगा। थर्ड वीक आपका मंडे से स्टार्ट हो रहा है तो थर्ड वीक की एक्टिविटीज़ मंडे से शुरू करेंगे। तो जिन जिन के बच्चों के भी काम अभी छूट गए हैं तो प्लीज़ सब लोग अपने अपने काम को इस संडे तक कंप्लीट कर लें और मुझे सेंड करें। ओके बच्चों, थैंक यू।